नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन हरिद्वार। पतंजलि योग ग्रुप में मेंबरशिप के नाम पर व्यापारी के साथ ठगी मामले की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी महेंद्र और इंजा ने शिकायत दर्ज कराई कि पतंजलि योग हरिद्वार का बताकर उनके और लाइफ मेंबरशिप के लिए फ़ोन पर संपर्क किया था। मेंबरशिप के लिए व्यापारी द्वारा 1,00,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। कुछ दिनों बाद 12,000 रुपये और व्यापारी को ट्रांसफ़र के लिए कहा। जब फरियादी को जानकारी लगी कि ऐसी कोई भी मेंबरशिप पतंजलि द्वारा नहीं दी जा रही है, तब व्यापारी ने उस नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन बंद होने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने नंबर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना अन्नपूर्णा में एक महेंद्र रेंजा है, उनको एक फ़ोन आया था, अज्ञात व्यक्ति ने किया था एक नंबर से, और उसने इनकी बात हुई थी तो करीब 1,00,000 रुपये इन्होंने पतंजलि योग के लिए उसके मतलब लाइफ मेंबर के लिए और उसमें भेजा था। बाद में इन्होंने पता किया तो इनके दोस्त ने बताया और इन्होंने चेक किया तो नंबर फर्जी पाया गया, कॉल उसमें नहीं लग रहा था। और फिर उसको बात किया तो उसने कहा कि 12,600 रुपये और भेजो तो फिर मैं तुम्हारा मेंबरशिप कन्फर्म करता हूँ और पैसे वापस करूँगा। बाद में उसने मोबाइल बंद कर लिया तो इनको लगा कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इस पर इनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत। ये पतंजलि योग की है, पतंजलि योग संस्थान जो है हरिद्वार का, उसका मेंबर लाइफ मेंबरशिप के लिए और उसमें जो मेडिसिन वगैरह आती हैं उसके लिए 1,00,000 रुपये धोखाधड़ी की। महेंद्र अरेंजा, पिता रूप सिंह अरेंजा है, अन्नपूर्णा नगर के रहने वाले। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।